हेलो फ्रेंड्स, सरिताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत समय बाद एक वीडियो डालने जा रहे हैं जिसमें हम एक स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी बताएंगे जो कि मिनटों में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हम कढ़ाई में बना रहे हैं। कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे, फिर उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। अभी हम तेल को गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड डालेंगे। जैसे ही दाने चटकने लगे, अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरा भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे जो हमने पहले ही चॉप करके रख ली थी। अभी हम इसे थोड़ा भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आलू इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि सब्जी बनने में टाइम ना लगे। फ्रेंड्स, आलू को चलाते रहिएगा ताकि आलू जले नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। फ्रेंड्स, हम शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, सूखे मसालों में हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक लिया है। हम सब्जी को मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए मसाले डालने के बाद हमारी सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सब्जी का मॉइस्चर बना रहे। फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए। तो अब हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को धनिए से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बहुत टेस्टी दिख रही है। आप इसे अपने तरीके से खा सकते हैं। आप इसे राइस के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ खाइए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।